इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बिहार के मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने अहियापुर के शहबाजपुर राघोपुर चौक के पास से 26 लाख रुपए लूट लिए। पूर्व विधायक मुसाफिर पासवान के मैनेजर अमित सिंह से रुपए से भरी बैग की लूट की गई है। तीन बाइक सवार 6 अपराधियों ने हथियार के बल पर इस लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। सूचना मिलते ही सिटी एसपी नीरज कुमार सिंह दरबल के साथ मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। पुलिस ने मौके से एक गोली भी बरामद की है। बताया जा रहा है कि पूर्व विधायक का मैनेजर ट्रैक पॉइंट का पैसा लेकर मजदूरों को पेमेंट करने जा रहा था। उसकी बाइक की डिक्की में 26 लाख कैश एक बैग में रखा हुआ था। इसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने बाइक में धक्का मारकर गिरा दिया और हथियार के दम पर रुपयों से भरा बैग डिक्की से निकाल लिया और भाग निकले। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छापेमारी कर रही है। छब्बीस लाख के आसपास जो है कि अमाउंट बता रहे हैं, हम लोग उसकी जांच कर रहे हैं। अभिलंब जो है कि घटना का सूचना हम लोग करते हैं। सर पीड़ित द्वारा क्या बताया गया सर, किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, ज़्यादा तादाद में अपराधी बता रहे हैं? हाँ, तीन मोटरसाइकिल के 6 आदमी अपराधी थे जो इस चौक पे जो है कि इनका कहना कि मुझे मालूम ही नहीं है पीछे से आए कि आगे से आए, हमको घेर लिए और हमको जो है कि धक्का मार के गिरा दिए और मेरे जो डिक्की में जो पैसा था उसको लेके चले। फायरिंग भी हुई है सर? फायरिंग की बात नहीं बताया अभी तो। एक खोखा बरामद है सर, मौके पूरा गोली है। फायरिंग की बात लगी नहीं बता रहा। सीसीटीवी के आधार पर सर कुछ हम लोग कर लेंगे, अनुसंधान का विषय उस पर हम लोग कर रहे हैं। थैंक यू।